हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेश सैनी इंडियन प्रॉपर्टीज़ की ओर से आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 100 गज का ड्यूप्लेक्स विला। जी हाँ, 100 स्क्वायर यार्ड का ये टोटल विला है जिसके अंदर 3 BHK रूम सेट बना है और जिसकी लोकेशन रहने वाली है लोगढ़ टाउन सिटी जीरकपुर ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर ये आता है। लोकेशन बड़ी सुंदर और शानदार है। प्रॉपर्टी को विजिट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो दोस्तों, विजिट करते हैं प्रॉपर्टी को। उससे पहले आपको विजिट करवाता हूँ इसके पास की लोकेलिटी और कौन सा रोड इस पर जाता है और उसकी लोकेलिटी और लोकेशन कैसी है। दोस्तों, देख सकते हो ये जो रोड है ये आता है सीधा चंडीगढ़ टू दिल्ली हाईवे से, जो जीरकपुर के अंदर आता है। चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे भी इसको बोल सकते हैं, 6 लेन के हाईवे से ये रोड आता है। उसके बाद 60 फीट का ये मेन रोड है जो प्रॉपर्टी की तरफ जाता है। ये लोगढ़ की लोकेलिटी है। यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी का बहुत ही सुंदर और बड़ा पार्क है। यहाँ पे पूरे लोगढ़ का सबसे सुंदर पार्क है ये, जो कि एक सार्वजनिक पार्क है और म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा मेंटेन ये पार्क है। बहुत सुंदर लोकेलिटी। इसके नज़दीक ही प्रॉपर्टी बनी है। प्रॉपर्टी की आप गली देख सकते हो, 20 फुट का ये गली है, स्टैंडर्ड गली है 20 फुट का। यहाँ पे ये जहाँ पे ये ड्यूप्लेक्स बना है, आसपास बहुत सुंदर मकान बने हैं और मार्केट, स्कूल, कॉलेज की सारी सुविधाएं यहाँ पे नियर बाय उपलब्ध हैं। मंदिर और गुरुद्वारा भी यहाँ पे आपको इस लोकेलिटी में मिल जाएगा। फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं आप, ड्यूप्लेक्स का फ्रंट एलिवेशन आप देखते हैं तो काफ़ी सुंदर और डिजाइनदार बनाया गया है। डार्क ब्राउन और ग्रे कलर, साथ में क्रीम कलर का जो है शेड का इसके अंदर यूज किया गया है। बाहर टाइलिंग का भी काम किया गया है कुछ, उसके बाद स्टील रेलिंग लगाया गया है। मेन जो गेट है वो देख सकते हो स्टेनलेस स्टील का बना है, साथ में वुडन फाइबर का इसके अंदर मैचिंग दिया गया है। बाहर टाइल भी काफी सुंदर लगाई गई है। पार्किंग यार्ड देख सकते हो आप, एक बड़ी सेडान कार आप यहां पे बड़े आसानी से पार्क कर सकते हो। 9x18 का साइज का रहने वाला है। टोटल प्रॉपर्टी का जो साइज है वो 18x46 का है। टोटल 100 गज का ये प्रॉपर्टी बनता है। एंटी स्किड टाइल है यहां पे जिसपे फिसल नहीं होती। साइड में भी देख सकते हो काफ़ी दो बड़ी पार्किंग का स्पेस है आपको यहाँ पर, कार बाइक का एक बड़ी कार का स्पेस है। एंटर करते हैं, वेलकम डोर की तरफ चलते हैं तो सामने एक बड़ा विंडो मिलता है आपको जिसमें गिलास लगा हुआ है। डबल डोर एंट्री मिलती है। डोर्स जो हैं अच्छी वुडन से तैयार किए गए हैं जिनका साइज 5.5x3.5 का है। बहुत अच्छी हाइट है ये। ब्रांडेड डोर हैंडल्स लगाए गए हैं, मॉडुलर डोर हैंडल्स हैं सारे। बाहर देख सकते हो फ्रंट यार्ड आप। चलते हैं दोस्तों ड्राइंग रूम की तरफ। जैसे कि आपने देखा डिजाइनर PVC पैनलिंग की गई है। जो मेन दीवार है उस पर डिजाइनिंग PVC पैनलिंग की गई है। PVC पैनलिंग पता है आपको कि कॉस्टली पड़ता है लेकिन एक बहुत अच्छी लुक भी देते हैं और इससे क्या है कि कभी दीवार पे सीलन हमें नहीं आता। ऊपर बहुत अच्छी डाउनफॉल सीलिंग किया गया है, बहुत ही डिजाइनदार और सुंदर है। LED लाइट्स हैं, फैंसी लाइट भी दिया गया है साथ के अंदर उसके अंदर, और एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा आपको यहाँ पे LED कैबिनेट दिया जा रहा है जो कि आपके ड्राइंग रूम और आपकी LED की शोभा बढ़ाने वाला है। 52 इंच तक का आप यहाँ पे LED लगा सकते हो। देख सकते हो जो भी इलेक्ट्रिक की फिटिंग है सारी ब्रांडेड और मॉडुलर की गई है। ये दोबारा से देख सकते हो आप ड्राइंग डाइनिंग हॉल का साइज कितना बड़ा है। सीढ़ियाँ अंदर से दी गई हैं, डुप्लेक्स हाउस के अंदर सीढ़ियाँ अंदर से होती हैं। एक फैमिली बहुत अच्छे तरीके से इसको वेल मेंटेन तरीके से यहाँ पे रह सकती है। टोटल 3 BHK बना होता है ये। 1 रूम सेट नीचे होता है, 2 रूम और वॉशरूम ऊपर होते हैं। किचन देख सकते हो दोस्तों, मॉडुलर किचन दिया जा रहा है। 12x7 का इसका साइज है। हाफ यू शेप का आपको इसके अंदर स्लैब बना मिलता है। ऊपर डाउन फॉल्सिंग और LED लाइट्स आपको इसमें भी दिया जा रहा है दोस्तों। कैबिनेट्स, बास्केट्स, ड्रॉयर्स, सारी जो किचन के अंदर होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। साइड में एक बड़ा स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पे अपना फ्रिज लगवा सकते हो।
बड़े से बड़ा फ्रिज यहाँ पे आराम से आ सकता है, डिश वॉशर भी यहाँ पे आ सकता है। देख सकते हो काफ़ी अच्छी वुडन मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। पूरा डुप्लेक्स में जो है काम बहुत बढ़िया किया गया है। हमारी भी पूरी हमेशा कोशिश रहती है कि जिस प्रॉपर्टी का काम अच्छा किया गया हो हम उन्हीं प्रॉपर्टियों को अपने चैनल पे रिकमेंड करते हैं। सामने देख सकते हो एक बड़ा विंडो मिलता है जिससे आपका प्रॉपर एयर वेंटिलेशन और सनलाइट का प्रोविज़न हमेशा बन रहेगा। इसके अंदर आपको किचन के अंदर आपको चिमनी का प्रोविज़न दिया जा रहा है, गैस का प्रोविज़न दिया जा रहा है, आरओ और गीजर का प्रोविज़न दिया जा रहा है। फर्स्ट बेडरूम में एंटर करते हैं दोस्तों, 11x15 इसका साइज रहने वाला है। बहुत सुंदर कलर की डिजाइनदार डाउनफॉल सीलिंग मिलती है। उसके बाद आपको वार्डरोब्स बने हुए मिलते हैं, उसके अंदर आपको ड्रेसिंग मिरर भी मिलता है। दोस्तों हम माफ़ी मांगना चाहेंगे, प्रॉपर्टी में किसी वजह से लाइट कनेक्शन नहीं था, इस वजह से कुछ वीडियो आपको अंधेरे में दिखाई देंगी। इसमें भी पीवीसी पैनलिंग किया गया है, बहुत सुंदर और डिजाइनदार। इस बेडरूम के अंदर आपको डाउनफॉल सीलिंग, एलईडी लाइट्स का कॉम्बिनेशन, फैंसी लाइट्स, एयर अपना एसी का फिटिंग्स, फैन फिटिंग्स और एलईडी कैबिनेट पैनल दिया जा रहा है आपको। साथ में फुल हाइट के वार्डरोब्स दिए जा रहे हैं। फर्स्ट वॉशरूम देख सकते हो दोस्तों, 8x5.5 का इसका साइज है। लाइट कम होने की वजह से आप यहाँ पे ठीक से देख नहीं पाओगे, लेकिन मैं ऊपर वाला वॉशरूम मैं आपको प्रॉपर दिखा पाऊँगा। चलते हैं दोस्तों बैकयार्ड देखते हैं, वॉशिंग एरिया देखते हैं। 5x5 का साइज इसका रहने वाला है जो कि सफिशेंट है। ऊपर से ओपन रखा गया है ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर रहे। चलते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। डोर्स देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं, काफ़ी सुंदर है। फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं तो ब्लैक ग्रेनाइट के साथ हमें स्टेयर्स मिलती हैं, 3x3.5 फीट की स्टेयर्स मिलती हैं जिस पे स्टेनलेस स्टील की रेलिंग किया गया है और ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। और साथ में आपको देखने को मिलता है फर्स्ट फ्लोर पर हमारा ड्राइंग हॉल, 16x13 का साइज इसका रखा गया है। इसके अंदर भी आपको डाउनफॉल सीलिंग, फैंसी लाइट्स, एलईडी पैनल और फ्रंट वॉल पे पीवीसी पैनलिंग आपको की हुई मिलती है। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि सारी चीज़ ब्रांडेड यूज़ की गई हैं, इसीलिए क्वालिटी दिखती है। कहते हैं दोस्तों जो दिखता है वो बिकता है। क्वालिटी आप जितना बढ़िया मटेरियल यूज़ करोगे प्रॉपर्टी के अंदर, उतना ही प्रॉपर्टी आपका जल्दी सेल हो जाता है। सेकंड बेडरूम के अंदर जाते हैं दोस्तों, 11x15 का साइज ये भी रहने वाला है। आमने सामने की दीवार पे दोनों पे आपको पीवीसी पैनलिंग का काम मिलता है, डाउनफॉल सीलिंग मिलती है, फैंसी लाइट्स मिलती हैं, एसी का प्रोविज़न मिलता है, फैन फिटिंग्स मिलती हैं और फुल हाइट के वार्डरोब्स मिलते हैं अलमीरा, जो कि काफ़ी अच्छे वुडन से तैयार किए गए हैं। ये स्लाइडर रखे गए हैं और साथ में मिलता है आपको ड्रेसिंग मिरर। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी चार चांद लगाने वाली है आपके बेडरूम को ये पीवीसी पैनलिंग। चारों एंगल से हम आपको बेडरूम दिखा रहे हैं दोस्तों। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, सभी को प्रॉपर्टी की पूरी चारों तरफ से लुक दिखाई दे ताकि उनको प्रॉपर्टी का डिसीजन लेने में आसानी हो। सेकंड वॉशरूम देख सकते हैं दोस्तों, 8x5.5 का वॉशरूम रहने वाला है। इसके अंदर जितनी भी सैनिटरी की फिटिंग होगी सारी ब्रांडेड होगी जो आपको ऑन पोजिशन करके दे दी जाएगी। थर्ड बेडरूम में एंटर करते हैं दोस्तों, 11x11 का साइज इसका रहने वाला है। इसके अंदर भी आपको सभी चीज़ें मिलती है, डाउनफॉल सीलिंग, पीवीसी पैनलिंग, एलईडी लाइट्स, फ्रंट वॉल के ऊपर पीवीसी पैनलिंग, एलईडी कैब पैनल और अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम के साइज की बात करें तो इसका साइज भी दोस्तों 6x5.5 का रहने वाला है। टाइल्स देख सकते हो काफ़ी सुंदर लगाई गई हैं। बाकी फिटिंग सेंटर की आपको ऑन पोजिशन मिल जाएगी। साथ में आपको यहाँ पे बड़ा विंडो मिलता है जो कि हमारा गली की तरफ है जिससे हमारा प्रॉपर एयर वेंटिलेशन और सनलाइट का प्रोविज़न रहता है। ये सामने की बालकनी देख सकते हो काफ़ी खुली डुली बनाई गई है दोस्तों, आसानी से यहाँ पे चेयर टेबल भी लगाया जा सकता है। और सामने का आप नज़ारा देख सकते हो, गली काफ़ी सुंदर है, सामने भी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। ये सीढ़ियाँ जाती हैं हमारे
सेकंड फ्लोर की तरफ, टॉप फ्लोर भी कह सकते हैं हम इसको दोस्तों। यहां तक पक्की सीढ़ी जाएगी आपकी और मोंटी के अंदर आपको मिलता है एक बड़ा विंडो जिसके अंदर शीशा लगाया गया है ताकि नेचुरल जो धूप है सनलाइट आती रहे। साथ में दिया जा रहा है आपको गैलरी स्पेस, आप इसको स्टोरेज स्पेस की तरह भी यूज कर सकते हो। दोस्तों प्रॉपर्टी बड़ी सुंदर और शानदार है, आपके बजट में आने वाली है और वीआईपी रोड के बिल्कुल नज़दीक पड़ती है। ये लोहगढ़ के अंदर आती है, वीआईपी रोड के नज़दीक पड़ती है। वीआईपी रोड एक काफ़ी प्राइम लोकेशन है जीरकपुर की, आप जानते हो, और हाईवे से इसके टोटल डिस्टेंस की बात करें तो मात्र टोटल टू मिनट्स के अंदर आप यहां तक पहुंच सकते हो। आप पैदल भी आ सकते हो हाईवे से, ज़्यादा दूरी नहीं है प्रॉपर्टी से। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी और इसके विषय में कोई जानकारी लेना चाहते हो तो दिए गए हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हो। आप इस पर लोन लेना चाहो तो लोन की सुविधा भी इसके ऊपर उपलब्ध रहेगी। इसके प्राइस की मैं बात करूं तो 62 लाख 62 लाख का इसका प्राइस जो डिमांडिंग प्राइस ओनर की तरफ से रखा गया है। इसके अंदर जो भी नेगोशिएट होने वाला है ऑन टेबल हम आपके लिए करवा देंगे। हमारा जो सर्विस चार्ज रहने वाला सिर्फ 1% आपका टोटल रहने वाला है, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और सारी ऑन पोजीशन तक कंप्लीट सभी काम करवा के देंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।